अगर हिस्ट्री में यह सोचने का कोशिश करें कि ऐसी कौन सी घटना रही है जिसके बाद पूरी दुनिया बदल गई, तो उसमें एक इवेंट आएगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वर्ल्ड हिस्ट्री में यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फ्रांस में 1789 में हुआ था। ये वो फेज था जिसमें वर्ल्ड लेवल पे एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे बनाया जाए, उसका एक एक्सपेरिमेंटल फेज भी कह सकते हैं। इस घटना की इन्फ्लुएंस आगे भी बहुत सारे इवेंट्स में काफ़ी ज़्यादा मिलती है, लाइक आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या नेशनलिज्म की जो फीलिंग आती है, इन सारे चीज़ों को फ्रेंच रिवॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और अगर इसे समझने का कोशिश करें कि इसे हम लोग रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, तो इस रिवॉल्यूशन के बाद पूरे वर्ल्ड लेवल पे पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक आप रिवॉल्यूशनरी लेवल पे ट्रांजिशन फेज में जाने लगती है। सो आइए इस वीडियो में समझने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या वो फैक्टर्स रहे थे जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी। तो ऑब्वियसली इसे हम लोग 7 फेज में समझने का कोशिश करेंगे, लाइक पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, फिर रोल ऑफ फिलोसफर्स आगे निकल के आता है, फिर एक आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, और लास्ट में एक देखेंगे जो उस समय का जो किंग है लुई 16 जब वो थ्रोन पे आता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सो पहला है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो फ्रांस की जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम था, वह एक एब्सोल्यूट मोनार्की था। एब्सोल्यूट मोनार्की कहने का मतलब है कि किंग का कंप्लीट कंट्रोल होता था और किंग के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता था, और किंग इतना डिस्पॉटिक होता था कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ भी डिसीजन ले सकता था, और स्टेट चलाने के लिए जितने भी स्टेट के हाई रैंक ऑफिसर्स थे और डिपार्टमेंट थे, वह भी एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास ही कंट्रोल करता था। सो ओवरऑल जितने भी आपके स्टेट सिस्टम के जो मेन पीपल थे, वो ज़्यादातर वेल्थ इंजॉय करते थे और पावर इंजॉय करते थे, बट लोकल वेलफेयर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। फिर अगर आप प्रोविंसेस लेवल पे जाए तो फ्यूडलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा पीक पर थी। जितने भी कॉमन क्लासेस थे, कॉमन मासेस थे, उन पे फ्यूडल लॉर्ड का काफ़ी ज़्यादा पावर होता था, और फ्यूडल लॉर्ड पर भी कोई भी चेक बैलेंसेस नहीं हुआ करता था, जिससे कॉमन मासेस की सफरिंग्स बढ़ रही थी। और उसी सिस्टम में आपका जो जुडिशियल सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा वीक था। उसमें एक बहुत ही ड्रैकोनियस लॉ भी था जिसे हम लोग बोलते हैं लेटर डिकैशे। लेटर डिकैशे क्या था कि यह एक सेलेबल अरेस्ट वारंट था जिसे कोई भी रिच क्लास खरीद कर किसी भी पुअर पर्सन को जेल के पीछे डाल सकता था बिना किसी वजह के। सो ओवरऑल ये काफ़ी एक्सप्लॉयटेड सिस्टम थी उस समय की। फिर हम लोग देखते हैं सोशल फैक्टर। तो सोशल फैक्टर में क्या होता है, आप कोई भी रिवॉल्यूशन देखें या कोई भी बड़ी घटना देखें, उस घटना में आप हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि उस समय की सोसाइटी में इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पीक पे होती है। फ्रांस की भी सोसाइटी काफ़ी इनइक्वालिटी से भरी हुई थी, जिसमें दो क्लासेस थे, एक प्रिविलेज क्लास और दूसरा नॉन प्रिविलेज क्लास। प्रिविलेज क्लास में दो लोग आते थे, एक क्लर्जी मैन और नोबिलिटी क्लास आती थी, जिसे हम लोग फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट भी बोलते थे, और जो कॉमनर्स थे वो थर्ड स्टेट में आते थे जो कि नॉन प्रिविलेज थे। और ये इनइक्वालिटी अगर हम देखें तो ऐसे था कि जो प्रिविलेज क्लास थे उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 2% थी, फिर भी वो 35% ऑफ द वेल्थ को होल्ड करते थे, एंड ये और ये इनइक्वालिटी जो भी थी, यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था वो था मिडिल क्लास से। मिडिल क्लास जो फ्रांस की थी वो काफ़ी एस्पायरिंग और राइजिंग थे। वहाँ के जो भी इंटेलिजेंसिया थी, इंटेलेक्चुअल्स थे, आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, जो ट्रेडर्स थे, ये काफ़ी ज़्यादा एस्पायरिंग भी थे और रिच भी थे। इनके रिचनेस का आप अंदाज़ा ऐसे लगा सकते थे कि ये मिडिल क्लास आपके स्टेट को भी लोन दिया करते थे, ठीक है। तो मिडिल क्लास के अंदर डिसकंटेंट इसलिए था क्योंकि मिडिल क्लास का जो प्रोग्रेस था वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी प्रिविलेज क्लास और नोबिलिटी क्लास। तो मिडिल क्लास काफ़ी राइज करना चाहती थी और उन्हें हर्डल्स मिल रहा था पावर की वजह से, तो वो एक रिवॉल्यूशनरी माइंडसेट में बिल्डअप हो रहा था। और ऑब्वियसली इस इनइक्वालिटी की वजह से जो कॉमनर्स थे, जो पीजेंट क्लास थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ करता था प्रिविलेज क्लास से। तो आप ये देख सकते हैं कि पॉलिटिकल सोशल फैक्टर जिस तरीके से इवॉल्व किया था, कॉमन मासेस के लिए एक्सप्लॉयटेटिव था, और यही ट्रांजिशन आप इकोनॉमिक में भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक में ट्रांजिशन कैसे देख सकते हैं, जस्ट इमेजिन कि जहाँ का किंग अच्छा नहीं हो, जहाँ का स्टेट अथॉरिटी अच्छा नहीं हो,
जहाँ के सोसाइटी में एक एथिक्स और वैल्यू सिस्टम नहीं हो, ऑब्वियसली वहाँ के इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो काफ़ी घटेगी। यही कारण है कि जो फ्रांस की इकोनॉमी थी, जो एग्रीकल्चर थी, काफ़ी अंडर डेवलप्ड थी, इंडस्ट्री भी हैंडीक्राफ्ट लेवल पे थी, ट्रेड एंड सर्विसेज में भी कोई हाई डिमांड नहीं हुआ करती थी। हर प्रोविंसेस में गुड्स एंड सर्विसेज के अलग अलग लॉ थे, जिसकी वजह से फ्री मूवमेंट ऑफ द ट्रेड नहीं हुआ करता था। तो ये ओवरऑल जो था आपका इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा वीक बना के रखा हुआ था। फिर ऑब्वियसली उस समय स्टेट का एक रोल हुआ करता था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, बट यहाँ पे स्टेट का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यही कारण है कि 1780 तक फ्रांस में कोई भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया था, जबकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन काफ़ी पहले आ चुका था। और ये सारी चीज़ें जो इकॉनमी आप देख रहे थे सोसाइटी लेवल पे जिस तरीके से वीक हो रही थी इंडस्ट्री लेवल पे, वहीं पे स्टेट के फाइनेंसेस, कहने का मतलब जो गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर करती थी, उनमें कोई बजट का कंट्रोल सिस्टम नहीं था। वो सारे लोग बस रेकलेस एक्सपेंडिचर करते रहते थे। जब भी उनकी आपकी अमाउंट घटती थी स्टेट फाइनेंसेस की, तो वो क्या करते थे, कॉमन लोगों का टैक्स बढ़ा देते थे या लोन ले लेते थे, बट अपनी फाइनेंसेस को कभी कंट्रोल नहीं करते थे, जिसकी वजह से पूरी की पूरी फ्रांस की इकोनॉमी एक बैंकरप्सी की तरफ जा रही थी, काफ़ी डिसरप्शन की तरफ जा रही थी। ओके, सो हम लोगों ने पॉलिटिकल देख लिया, सोशल देख लिया, इकोनॉमिक देख लिया, अब आते हैं हम लोग रिलीजियस फैक्टर पे। तो रिलीजियस फैक्टर ऐसे समझते हैं कि उस समय की सोसाइटी में चर्च का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था सोसाइटी में, और चर्च को कंट्रोल करते थे क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन दो तरीके के थे, एक जो रिच क्लास से आते थे और दूसरे क्लर्जीमैन जो कि आपके कॉमनर्स क्लास से आते थे। तो जो रिच क्लास के क्लर्जीमैन थे वो सिर्फ चर्च में इसलिए जाते थे ताकि वहाँ पे वेल्थ को एंजॉय कर सके, अपने प्लेजर को सेटिस्फाई कर सके, उनको रिलीजियस एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। हालांकि जो कॉमनर्स के थे क्लर्जीमैन, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस, ऑनेस्ट और एक डेडिकेटेड लाइफ जिया करते थे। बट फिर भी जो कॉमनर्स के थे आपके क्लर्जीमैन, उनकी सैलरी या पेमेंट जो भी थे वो कम हुआ करता था। तो यह एक काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी कंडीशन था, जो कि सोसाइटी को पसंद नहीं आ रहा था, वहाँ के क्लर्जीमैन को भी पसंद नहीं आ रहा था। सो सब लोग एक चर्च के करप्शन को एक्सपोज करके बदलना भी चाहते थे, जिसकी वजह से एक रिवॉल्यूशन का स्टार्टअप बिल्ड हो रहा था। हाँ, ऑब्वियसली अब आते हैं रोल ऑफ फिलोसोफर। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन होना तय था जिस तरीके से कंडीशन पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक लेवल पे चल रही थी, बट फिर भी फिलोसोफर के आने से क्या होता है कि लेट से रिवॉल्यूशन इमर्ज तो हो जाती है, बट हमें फ्यूचर में बनाना क्या है, उसकी विजन क्या है, ये फिलोसोफर्स की एक गाइडेंस है। तो फिलोसोफर एक मतलब फ्यूचर विजन को क्रिएट करते हैं। उस समय 18th century में काफ़ी अच्छे अच्छे फिलोसोफर निकल के आते हैं, लाइक आपका मॉन्टेस्क्यू हो गया, वोल्टेयर हो गया, फिर आपका रूसो हो गया। तो मॉन्टेस्क्यू जैसे है, तो उनकी जो फिलॉसफी थी, लाइक पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी अच्छी फिलॉसफी निकल के आई थी, वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। वो आपका सेपरेशन ऑफ पावर, नेचुरल राइट्स ऑफ द मैन, इन सारी चीज़ों पे काफ़ी थ्योरी दिए थे। वैसे ही आपके जो अगले फिलॉसफर वोल्टेयर, वो चर्च के करप्शन को एक्सपोज करते हैं। फिर उस तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल बोल सकते हैं, वो थे रूसो। रूसो की फिलॉसफी एक इमोशनल कनेक्ट करती थी पब्लिक मासेस से। तो रूसो का जो आपका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है, वो जस्टिफाई करती है मासेस को कि अगर इंस्टीट्यूशन करप्ट है, इंस्टीट्यूशन सही नहीं है, तो उसके अगेंस्ट अगर हम रिवॉल्यूशन करते हैं तो वो जस्टिफाइड है। सो आप एक तरीके से देखें तो जो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम था, जो सोशल इनइक्वलिटी था, जो इकोनॉमिक स्टैग्नेंसी थी, इनको आइडिया लेवल पे फिलोसोफर ने कैसे बनाना चाहिए, लाइक सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर आने का मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट किंग की जो अथॉरिटी होती है वो मिनिमाइज होगी, तो डिसीजन एक कलेक्टिव लेवल पर, डिस्कशन लेवल पर लिया जाएगा। तो फिलोसोफर आपको एक विजनरी स्टेट जो बनाते हैं, जो आगे चल के रिपब्लिक बनते हैं, ये आइडियाज जो है वो फिलोसोफर इन्वेंट करते हैं, जिससे रिवॉल्यूशन को एक दिशा मिलती है, एक डायरेक्शन मिलती है। सो फिलोसोफर का रोल भी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट है। चलिए, सो अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप देखें तो 1776 में आपका अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया था। तो अमेरिका एक कॉलोनी की लड़ाई थी, ब्रिटेन के कॉलोनी थे, तो वहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस की जो लड़ाई चलती थी, तो फ्रांस ने क्या किया कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करना चाहा। तो उसी समय उन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही हैवी लोन दिया था, जो कि 5 मिलियन लीवर था।
ठीक है। और जो 5 मिलियन लीवर जब लोन दिया इन्होंने, तो स्टेट की फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी, और ऑब्वियसली इन्होंने सोल्जर्स को भी सपोर्ट, मतलब सोल्जर भी भेजे थे लड़ने के लिए। तो जो फ्रेंच सोल्जर थे जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़ने गए, वो जब अमेरिकन वैल्यूज़ को अडॉप्ट किए, लिबर्टी इक्वलिटी, जब उन्हें समझ में आया कि नहीं नेचुरल राइट्स भी होते हैं ह्यूमन लेवल पे, तो जब वो अपने देश लौटे तो उन्हें लगा कि ये कैसे हो सकता है, जिस राइट के लिए हम लोग वहाँ लड़े वो राइट मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। तो सोसाइटी में एक अवेकनिंग आने लगी। इसलिए जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है तो काफ़ी जो उस समय के सोल्जर्स होते हैं वो रिवॉल्यूशन में काफ़ी आगे रहते हैं। तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक आइडिया लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। हाँ, राइज ऑफ लुई XVI। लुई XVI 1774 में उस समय फ्रेंच के थ्रोन पे बैठते हैं, जिस समय फ्रांस की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन में है, ठीक है। अब उस समय जिस तरीके की इकोनॉमिक डिसरप्शन हो चुकी थी, वहाँ पे एक बहुत ही इफ़िशियंट रूलर चाहिए था, बट लुई XVI वॉज नॉट वेरी मच इफ़िशियंट इन रूलिंग। वो सिर्फ 20 साल के मतलब उस समय एज में थे, और उन्हें उनकी जजमेंट उतनी इफ़िशियंट नहीं थी, जिसमें स्टेट की फाइनेंसेस गड़बड़ाई, और जब टैक्सेस रेज करने की बात हो रही थी, बहुत सारे मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया, बट जितने भी मिनिस्टर आए वो टैक्सेस बढ़ा नहीं पा रहे थे, और एक एक करके सारे मिनिस्टर को बदलना पड़ा। और यही इवेंट्स जब अनफोल्ड होता है तो फिर आपका पार्लियामेंट की मीटिंग, जो स्टेट जनरल्स बोलते हैं, उसे बुलाई जाती है, जिसमें कॉमनर्स भी होते हैं। तो उस स्टेट जनरल की मीटिंग में जब कॉमनर्स को पता चलता है कि अपनी देश की इकॉनमी अच्छी नहीं है, किंग इफिशियंट नहीं है, और उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस पार्लियामेंट की मीटिंग में जो कॉमनर्स आते हैं बहुत उम्मीद के साथ आते हैं कि अब उनके जीवन में कुछ बदलाव आएगा, तो वो चीटेड फील करते हैं, और इसी तरीके से फिर एक रिवॉल्यूशनरी मोमेंट बनता है और रिवॉल्यूशन अनफोल्ड होने लगता है। उसी में आगे आप देखेंगे कि नेशनल असेंबली बनता है या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनता है। तो हम लोग आने वाले वीडियोस में वर्ल्ड हिस्ट्री को ऐसे डील करेंगे, और आगे डील करेंगे कैसे कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन अनफोल्ड होता है, फिर कैसे नेपोलियन का राइज होता है, फिर कैसे एक नेपोलियन इंपेरियर बनता है, तो फिर से कैसे ओल्ड ऑर्डर आता है जो वियना ऑर्डर में पढ़ेंगे, फिर वियना ऑर्डर को जब हम लोग ख़त्म करते हैं तो आगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन फिर से आती है, जुलाई रिवॉल्यूशन, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, जिससे एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनता है, और इसी फ्लो में फिर एक नेशनलिज्म की एक इन्फ्लुएंस आती है, जो कि आपका इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन में जाती है। तो एक तरीके से आप देखिए तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों रिवॉल्यूशन है, क्योंकि ये पॉलिटिकल लेवल, सोशल लेवल, इकोनॉमिक लेवल पे, आइडिया लेवल पे जो रूटिंग है उसको चेंज कर रहा है। इसके बाद जितनी भी चीज़ें घटना हो रही है, अब एक किंग की मोनोपोली नहीं रहेगी, अब डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा कलेक्टिव लेवल पर होगी, इकॉनमी अब जो एक स्टेट जो पहले किंग का होता था, अब रिपब्लिक में वो पब्लिक का स्टेट होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक रिवॉल्यूशन स्टेट होता है, इसलिए हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडिया को जितना अच्छा से पकड़ेंगे, आगे के सारे आइडियाज़ को बहुत अच्छे से भी डील करेंगे। सो थैंक्स फॉर दिस।